स्वयं दोस्तों, आज हम लोग एक फिजिक्स का छोटा सा टॉपिक लेते हैं जिसमें देखेंगे कि ये स्मॉल जी का जो मान है, दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसका मान हम लोग अर्थ पे और मून पे कैसे निकालते हैं तथा दोनों के बीच में कैसे कंपेरिजन करते हैं, इस चीज को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वैल्यू ऑफ जी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, तो हम लोग करेंगे क्या कि इससे पहले हम लोग को जरूरत पड़ेगी मास ऑफ अर्थ की। तो थोड़ा हम लोग क्या ध्यान दें कि जब मान लेते हैं कि यह यदि अर्थ है और ये अर्थ का सेंटर है, और यदि कोई 1 kg मास का ऑब्जेक्ट इस अर्थ के सरफेस पर रखते हैं, अबाउट जो रेडियस है अर्थ का, ये आता है 6.4 × 10⁶ meter, और आर का जो वैल्यू, आर का वैल्यू तो निकल गया रेडियस, और मास ऑफ द अर्थ है, मास ऑफ द अर्थ जो है वो है 6 × 10⁻², 24 किलोग्राम। तो इस तरीके से हमें दो चीज कम से कम पता होना चाहिए। और हम लोग जानते हैं, इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने जाना था कि जो कैपिटल जी है, जिसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, इसका वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻¹ⁱ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हम लोग देख सकते हैं। अब हम लोग करेंगे क्या कि स्मॉल जी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग करते हैं कि सबसे पहले लेते हैं फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से क्या हम लोग को मिला था, तो एफ बराबर एम ए। यदि यहां पे हम लोग ये तो जो कांस्टेंट है, ये एक्सेलरेशन है, वो लीनियर एक्सेलरेशन है, लेकिन जैसे ही है जो हम लोग अर्थ के रिस्पेक्ट में लेंगे, तो ये हो जाएगा एम जी, अर्थात एफ बराबर एम जी। इसके पहले हम लोग ये भी निकाल चुके हैं ग्रेविटेशन में कि एफ बराबर जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। यदि एक बात करें कि यह एम वन अर्थ है, तो इसको हम लोग कैपिटल एम से करते हैं, और यदि ये छोटा वाला एम है तो इसको एम रहने देते हैं। तो इस प्रकार से हमें इक्वेशन प्राप्त होता है। तो यूं कह सकते हैं कि इस एफ का वैल्यू को हम रिप्लेस करते हैं वन में। वैल्यू ऑफ एफ, वैल्यू ऑफ एफ पुट इन इक्वेशन वन, देन तो हमें प्राप्त होगा जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एम जी। ये एम और ये एम कैंसिल, तो आएगा हमारे पास जी इक्वल टू स्मॉल जी इक्वल टू जी एम बटा में आर स्क्वायर। ये आर हो जाएगा, ये एम हो जाएगा जो कैपिटल है। अब सभी वैल्यूज को यदि हम लोग पुट करते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा देखा जाए, तो स्मॉल जी इज इक्वल टू 6.67 × 10⁻¹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और एम का वैल्यू जो है ये हमारे पास है 6 × 10⁴ kg, और अपॉन आर, दैट इज 6.4 × 6.4 × 10⁶ क्यों, क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म में, दो दो बार लिखेंगे। जब सभी को कैलकुलेट करते हैं तो विल गेट 9.8 m/s². दिस जी इज फॉर अर्थ, तो हम लोग यहां पर लिखते हैं जी अर्थ। तो यही जो है स्मॉल जी फॉर अर्थ जो है हम लोगों को प्राप्त होता है। अब हम लोग करते क्या है कि चंद्रमा के लिए स्मॉल जी का वैल्यू, चंद्रमा के लिए, तो सब कुछ हमारे पास यहां है, हम सीधे चले आते हैं ये एक फॉर्मूला से, लेकिन चंद्रमा के लिए करते हैं
तो चंद्रमा यदि यह है तो इसका भी एक रेडियस है और इसका भी मास है। तो जो चंद्रमा का जो मास है ये है 7.4 10^22 kg, और जो इसका रेडियस है यह है 1.74 × 10^6 m। तो यदि चंद्रमा के ऊपर 1 kg का मास हम रखते हैं तो फिर चंद्रमा के लिए हम लोग जी का वैल्यू, स्मॉल जी का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो सीधे फॉर्मूला हम लोग यहां से ले लेते हैं, जी स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और यहां से मिल जाएगा जी का वैल्यू 6.67 × 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इंटू एम, एम का वैल्यू 7.4 × 10^22 kg अपॉन 1.74 × 1.74, बिकॉज दो बार स्क्वायर है तो ये इस तरीके से हो जाएगा, और जी मून के लिए हो जाएगा 1.66 m/s². जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा ये हो जाएगा 1.66 m/s². तो दो वैल्यू हम लोग को एक अर्थ के लिए और एक मून के लिए हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। यहां तक का मैंने यहाँ पे ओमिट कर दिया है क्योंकि ये तो सेम रह जाएगा। तो अर्थ का फाइंड आउट हो गया और मून का भी स्मॉल जी का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अब जरा हम लोग कंपेरिजन करते हैं, तो कंपेरिजन में हम लोग करेंगे क्या कि जी मून अपॉन जी अर्थ। तो जो मून का जो है वो है 1.66 upon 9.8 m/s² m/s², ये कैंसिल, और इसको यदि हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो विल फाइंड कि यह जो है जी मून अपॉन जी अर्थ ये हो जाएगा 1/6, इसमें कोई यूनिट नहीं होगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जी मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जी अर्थ। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि जो जी मून का जो वैल्यू है वो अर्थ के 1/6 के बराबर है, अर्थात जो अर्थ का जो जी होगा उसका 1/6 भाग जो है वो मून का जी होता है। तो इस तरीके से हम लोग पृथ्वी पर स्मॉल जी का वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और मून पर जी का वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और हम लोग यहाँ पर दोनों के बीच में जब कंपेरिजन करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि जो मून पर जो जी का वैल्यू है वो अर्थ के मुकाबले लगभग 1/6 भाग होता है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करने को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, जब एग्जाम में दिया रहे तो हम लोग इस तरीके से चाहे मून का चाहे जी का या चाहे अर्थ का या फिर किसी भी प्लैनेट का जिसका कि मास और रेडियस दिया रहेगा उस कंडीशन में हम लोग वहां पर जी का वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं, और किसी अदर प्लैनेट सैटेलाइट या किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ उसके जी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें हम लोगों ने आज देखा जी का वैल्यू और कंपैरिजन। ठीक है बच्चों एवं दोस्तों, यदि कहीं पर आप लोग को कोई दिक्कत हो, कंफ्यूजन हो तो मुझसे कांटेक्ट करें, मुझे कमेंट करें, मैं सुधार करने की या फिर आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू थैंक यू।